मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा यह वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। मैं वर्दी हूं, वही वर्दी जिसे पहनकर हर सिपाही गुरूर किया करता है और उसका बाप सीना चौड़ा। पर आज मेरा मन बड़ा गमगीन और विचलित है। मुझे पहनने वाला वो सिपाही जिसने जीवन भर मेरी और इस देश की लाज रखने की कसम खाई थी, आज एक आतंकी षड्यंत्र में शहीद हो गया। मुझे आज भी याद है वो दिन जब घर परिवार से दूर रहकर अपनी ट्रेनिंग पूरी करके फौजी जब मुझे धारण करने का गौरव हासिल करता है, उसके चेहरे की वो खुशी, वो उत्साह मुझे आज भी याद है। पूरे मोहल्ले में मुझे ही पहनकर मिठाई बांट रहा था वो। उसके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। कितनी महान होगी वो माँ, अपने लाल को जिसने जीवन भर तक एक आँच भी नहीं आने देती, पर देश की मिट्टी पर हंसते हंसते न्यौछावर कर देने को तैयार हो जाती है। अपने जान की परवाह न करते हुए देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाह, वो जज्बा भुलाया नहीं भुलाया जा सकता। कभी दिल्ली की तपती धूप में पोस्टिंग, तो कभी कश्मीर की घाटी में तैनात होकर अपनी मातृभूमि की सेवा करता है। इस ख्याल से तो मैं आज तक अचंभित हूँ कि एक जवान अपनी जेब के छोटे से बटुए में पूरा परिवार और सीने में सारा हिंदुस्तान कैसे बसा लेता है। आज ये सब सोचकर ना चाहते हुए भी मेरी आंखें नम हो रही हैं कि जिस सिपाही ने अपना सारा जीवन मेरे सम्मान के ऊपर कुर्बान कर दिया, आज उसी का लहू मुझे पीना पड़ रहा है। एक माँ से उसका बेटा, एक औरत से उसका पति और एक मासूम सी बच्ची से उसका बाप बिछड़ गया, और ये इनकी आखिरी मुलाकात है। इन सारे परिणामों के बारे में पहले से जानते हुए भी फौजी ने हमेशा देश को अपने परिवार से आगे रखा। आखिर क्या जरूरत है इस हिंसा की, इस खून खराबे की? क्या इन माओं को ऐसे ही अपने जवान बेटों की बलि देते रहना होगा? जब विधाता ने एक धरती और एक इंसान बनाया, तो क्यों हमने इतने बंटवारे कर लिए, और क्यों इन बंटवारों की कीमत हमारे सिपाहियों को चुकानी पड़ती है? आतंकी हमले में 12 जवान शहीद। ये उरी हमले के बाद सबसे बड़ा हमला है अगर इस देश की सिक्योरिटी फोर्सेस के कैजुअल्टीज की बात की जाए। जो आज तिरंगे में लिपटे आया था, वो न जवान था न देश का बेटा, वो एक माँ का चिराग और एक बच्चे का पूरा आसमान था। वो चिराग भी बुझ गया, वो आसमान भी झुक गया। जिस तिरंगे को ऊपर उठाया था, वो भी रोकर सिपाही के सीने से लिपट गया।